हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं एक्सेल, आपका एक्सेल का गुरु। और आज आपके मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए प्रोग्रामिंग करते हुए हम मैसेज बॉक्स के यस या नो ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसको करने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आज हम क्या करने वाले हैं, फिर उसको आपको समझाऊंगा। आप ये बटन देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा आई नो वीबीए। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो एक मैसेज बॉक्स आता है, डू आई नो वीबीए प्रोग्रामिंग इन एक्सेल। अगर आप यस yes बोलेंगे तो ये आपको जब कह रहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन आर परफेक्ट बाय बर्थ। आप इसका ओके को क्लिक कर दें इससे पहले कि झगड़ा हो जाए, और फिर हम वापस आई नो वीबीए पे क्लिक करते हैं और नो पे क्लिक करते हैं कि भाई डू आई नो वीबीए प्रोग्रामिंग इन एक्सेल। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो क्या, तो एक्सेल कह रहा है कि then you should watch Excel Made Easy's training videos. okay कीजिए। तो ये मैंने कैसे करा, ये मैंने Microsoft Excel की VBA programming में message box के ज़रिए करा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। Excel में VBA अगर हमने करना है तो सबसे पहले ध्यान रहे कि हमारे developer tab open रहे। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको developer दिख रहा है, ये open होगा। Microsoft के menu में जाके office button पे आप click करें, आप options में जाएं, ऑप्शंस में जाने के बाद आप पॉपुलर में यहाँ पे क्लिक करें, शो डेवलपर टैब रिबन, इस पर आप ओके कर दें और फिर इसको ओके करें। अब जब आप इसको ओके करेंगे तब आप विजुअल बेसिक लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग। आप या तो डेवलपर टैब में जाके करें और यहाँ पे जाके विजुअल बेसिक क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप Alt F11 दबाएं तब भी ये स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। आए इसको देखें कैसे करते हैं, इस स्क्रीन को धीरे धीरे हम साथ साथ करते करते सीखते भी जाएंगे। एक्सेल में इस कोड को डालने के लिए हमने एक सब प्रोसीजर यूज़ करा है। वो सब प्रोसीजर को सबसे पहले आपने लिखने के लिए लिखना है SUB स्पेस दें और आपके प्रोसीजर का नाम लिख दें, या आपके मन का हो सकता है। मैंने इसका नाम रखा है आई नो VBA और ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दें। फिर आप लिखें MSG यानी कि मैसेज इज इक्वल टू, और कोट्स ओपन करके आप जो भी मैसेज स्टार्टिंग में दिखाना चाहते हैं, जैसे ये प्रोसीजर ओपन हो कि मैसेज दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे हमने टाइप करा है डू आई नो VBA प्रोग्रामिंग इन एक्सेल ? और फिर हम चाह रहे हैं कि जब आंसर आए तो आंसर में मैसेज बॉक्स आए और वहाँ पे यस या नो का ऑप्शन हो। तो उसके लिए करेंगे हम आंसर ans स्पेस इज इक्वल टू स्पेस मैसेज बॉक्स MSGBOX ब्रैकेट ओपन MSG कॉमा स्पेस VB यस नो। यहाँ पे ध्यान रहे आप जो टाइप कर रहे हैं VB यस नो और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो यहाँ से आपका मैसेज दिखेगा, मैसेज बॉक्स आ जाएगा, मैसेज दिखेगा आपका और यस नो का ऑप्शन आएगा नीचे। और फिर आप चाह रहे हैं कि इफ आंसर इज इक्वल टू VB नो, अगर आपका आंसर VB नो चूज करता है देन मैसेज बॉक्स बोलना चाहिए देन यू शुड वॉच एक्सेल मेड इजी ट्रेनिंग वीडियोस। ये ध्यान रहे कोट्स में लिखा है हमने ये जो भी दिखाना चाहेंगे हम। और अगर हम चाह रहे हैं कि आंसर यस है तो हम यहाँ लिखेंगे इफ स्पेस आंसर का ans इज इक्वल टू VB यस देन मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स स्पेस कोट्स ओपन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कॉमा Women are perfect by birth और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का मैंने कोट्स क्लोज कर दिया। यहाँ ध्यान रहे कि आप एंड सब ज़रूर लिखें। जब आपने एंड सब लिख दिया तो आप चाहेंगे कि इसको आप टेस्ट करें, तो टेस्ट करने से पहले आप टेस्ट करने के लिए आप कहीं पे भी इसको एक क्लिक कर दें यहाँ पे माउस को, और ये प्ले का निशान दिख रहा है इसको दबा दें। ये देखिए आपका टेस्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आप डू आई नो VBA प्रोग्रामिंग इन एक्सेल, येस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन आर परफेक्ट बाय बर्थ, ओके ये इसने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब ये सब डालने से पहले हमें ध्यान तो ये रखना चाहिए था, मेरे को बताना चाहिए था कि डालेंगे कहाँ इसको, ये लिखेंगे कहाँ। तो ये लिखने से पहले हमको इंसर्ट में जाना होगा और मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लैंक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने ये लिखा है, ठीक है। ये करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, आपकी एक्सेल फाइल ओपन रहेगी। और फिर हम यहाँ पर जाएंगे हमारे डेवलपर टैब में, इंसर्ट में जाएंगे
और फॉर्म कंट्रोल्स दिख रहा है आपको, एक्टिव एक्स कंट्रोल, धीरे धीरे इनको समझते जाएंगे हम। तब तक हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ ऐसा एक बटन आप भी बना पाएँ। ये आप बटन क्लिक करें और इस बटन को यहाँ पे आप प्ले कर दें। जैसे ही आप इस बटन को यहाँ पे लगाएंगे, तो ये बोलेगा कि इसको कुछ असाइन करना है, कोई मैक्रो, तो यहाँ से आप इसको मैक्रो असाइन कर सकते हैं, INOVBA इसको असाइन कर दी, तो ये इस पर असाइन हो गया है। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट टेक्स्ट में जाके इसका नाम बदल दीजिए, जैसे मैंने बदला INOVBA, आप इसका नाम INOVBA भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना VBA, पहला VBA मैसेज का लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि अब इसको चलाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हमने पहले तो इसको INOVBA का जो बटन बनाए इसके ज़रिए चलाया, नहीं तो आप Alt F8 दबाएं और आपकी मैक्रो की लिस्ट खुल जाएगी। आप यहाँ पे आपने जितने VBA के मैक्रोस बनाए होंगे वो यहाँ आपके दिखेंगे। आप यहाँ से इसको रन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको कहाँ कहाँ पे देखना चाहेंगे, वहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये काम करे वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। दिस वर्कबुक पे आप कर दें तो ओके कर दीजिए आप। तो मैं कहता हूँ कि भाई ऑल ओपन वर्कबुक्स में रख दें, क्लोज़ कर दीजिए। इस तरह से आप अपना इसको VBA को रन भी कर सकते हैं। ये फाइल फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल आपको मेरे वेबसाइट पे excelmadeeasy.weebly.com पे, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग फाइल्स में जाके आप इस फाइल को डाउनलोड करें फ्री में, साथ में प्रैक्टिस करें। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें इस चीज़ का। मेरे लेटेस्ट वीडियोस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे दिखेगा। और हाँ, आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे को फेसबुक पे जाके ज़रूर लाइक करें। फेसबुक पे आप एक्सेल मेड ईजी के नाम से मुझे ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे यूट्यूब पे जहाँ पे आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या मेरे इस पे वीडियो पे देख रहे हैं, वेब पेज पे देख रहे हैं, तो आप मेरे वर्क को शेयर करें ज़रूर लोगों के साथ, ताकि और लोगों को भी हम बता पाएँ कि एक्सेल में और क्या क्या किया जा सकता है। हमारा मोटो है लेट्स शेयर नॉलेज, तो मेरा साथ दें इसमें, वीडियोस को शेयर करें, फेसबुक पे हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करें। सो दिस इज़ योर एक्सेल गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी एक्सेल लर्निंग।